कू के नाम से मशहूर इस येलो बर्ड के आइकन को आप में से ज्यादातर लोगों ने देखा होगा। गूगल प्ले स्टोर की किसी रिकमेंडेशन में, कहीं सोशल मीडिया स्क्रॉल करते वक्त या यूं ही इंटरनेट सर्फिंग करते हुए हो सकता है कि आप में से कईयों की इसमें प्रोफाइल भी हो, या यूं कहें कि प्रोफाइल थी अभी के परिदृश्य में। जी हाँ, देसी ट्विटर के नाम से मशहूर ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 4 साल के संघर्षों के बाद बंद होने जा रहा है। इसकी जानकारी खुद कंपनी के को-फाउंडर अप्रमेय राधाकृष्ण ने लिंक्डइन पर शेयर की है। इसे पढ़कर पता लग सकता है कि कई कंपनी से पार्टनरशिप की बातें फेल रही, जिस वजह से कंपनी को ये शटडाउन कॉल लेनी पड़ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो डेली हंट कंपनी का अधिग्रहण करने वाला था, लेकिन बात नहीं बन पाई। काफी समय से कंपनी में एम्प्लॉयज की भी छटनी चल रही थी। हालात ये तक हो गए थे कि फाउंडर्स को अपनी जेब से एम्प्लॉयज की सैलरी देनी पड़ रही थी। लेकिन ये सब हमेशा से नहीं था। शुरुआत में एक्सेल पार्टनर्स, कलारी कैपिटल, ब्लूम वेंचर्स और ड्रीम इनक्यूबेटर जैसी कंपनीज कू की इन्वेस्टर्स थी, और कंपनी ने इससे कुल $30 मिलियन का फंड भी रेज किया था। मेक इन इंडिया के समर्थन वाले इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देश के कई सेलिब्रिटीज, नेताओं और खिलाड़ियों के अकाउंट्स थे, जिसमें विराट कोहली, कंगना रनौत और पीयूष गोयल जैसे नाम शामिल हैं। मई 2021 में कंगना रनौत को जब ट्विटर ने बैन कर दिया था, तब इन्होंने कू पर अपना अकाउंट बनाया था। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी साल 2020 में अपने मन की बात कार्यक्रम में कू का जिक्र किया था। कू ने 60 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स क्रॉस कर लिए थे। ब्राजील और नाइजीरिया में भी ये ऐप अपनी धाक जमा ही रहा था, और ये सब काफी जल्दी हुआ था। ऐप के फाउंडेशन के महज 2 सालों के अंदर ये ऐप साल 2020 में इसकी संस्थापना की गई थी। एक जबरदस्त स्टार्टिंग, देसी ट्विटर का तमगा, वोकल फॉर लोकल और खासा फंडिंग के बावजूद क्यों कू ये सब सस्टेन नहीं कर पाया, कोशिश करेंगे ये जानने की। उससे पहले मैं हूं स्वर्णिमा और आप देख रहे हैं शब्द सांची। याद करिए, साल 2020 में चाइना के साथ बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स के बीच 300 से ऊपर चाइनीज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगा दिया था भारत ने। इस वजह से इंडियन सोशल मीडिया ऐप्स की तरफ लोग काफी अट्रैक्ट हो रहे थे, इंडियन मेड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की तरफ। इन्हीं सब में ट्विटर के साथ भारत सरकार का टसल भी हो गया, और इन सब का फायदा मिला कू को। लोगों को ये ट्विटर का अल्टरनेटिव जैसा लगने लगा। एक डाटा के मुताबिक इस दरमियान 16 महीनों के भीतर ही 10 मिलियन यूजर्स गेन किए थे कू ने। उस वक्त इंडिया में ट्विटर का 17.5 मिलियन का मंथली यूजर बेस था। फिर दौर आया फंडिंग्स का, कंपनी ने जमकर कमाई भी की। मिंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी 2021 में कंपनी ने $4.1 मिलियन के फंड रेज किए थे। 3 महीने बाद कंपनी ने $30 मिलियन के फंड रेज किए, और फाइनली जून 2022 में कंपनी ने $57 मिलियन के फंड्स रेज किए। इस वक्त कंपनी अपने पीक पर थी, लेकिन साल 2022 के अंत तक चीजें बिगड़नी शुरू हुई। ग्लोबल स्टार्टअप फंडिंग एनवायरनमेंट में सुस्ती देखी गई। इस दौरान कई इंडियन स्टार्टअप्स बंद हुए। इसी बीच अप्रैल 2023 तक कू ने अपने 30% एम्प्लॉयज की छटनी कर दी। साल 2024 तक हालात और भी ज्यादा खराब होने लगे। कंपनी कहीं से भी फंड्स नहीं रेज कर पा रही थी, एम्प्लॉयज की सैलरी देना मुश्किल हो गया था, छटनी चलती रही, और हालात ये हुए कि ऐप को चलते रखने के लिए फाउंडर्स ने अपनी जेब तक से सैलरी दी। लेकिन ये सब ज्यादा दिनों तक चल नहीं पाया। कई इन्वेस्टर्स से, मीडिया पार्टनर्स से बात हुई, पर बातें सिर्फ हुई बनी नहीं। अंत में लिंक्डइन पर पोस्ट करके फाउंडर्स ने इसके क्लोजर की जानकारी दी। इसी के साथ कंपनी अपने अंत पर आ खड़ी हुई। इसी तरह के और कंटेंट के लिए बने रहिए शब्द सांची के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।